दो तारीख को माँ शारदा को प्रणाम करके मैहर से निकलते हुए शहडोल अमरकंटक नर्मदा नदी के उद्गम स्थल में प्रणाम किया और निवेदन किया, प्रार्थना किया कि हे माँ, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी को सद्बुद्धि दे कि हमारे बिंद का पुनर्निर्माण कर दें, हमारे बिंदवासियों का जिससे हक मिल जाए और बिंदवासी भी आत्मनिर्भर और समृद्ध बिंद के वासी बन जाए, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है। वहाँ से चलते हुए कल मैं सिंगरौली पहुँचा, बैढ़न पहुँचा, अब यहाँ से कल सीधी, इसके बाद रीवा में 13 तारीख को इस यात्रा का समापन करूँगा। दो दिन बाद दशहरा है, दशहरा मनाएंगे, इसके बाद फिर ये जनजागरण अभियान चालू करेंगे। जनजागरण अभियान लगातार तब तक चालू रहेगा जब तक कोरोना का अस्त्र सरकार हमारी सलाह के रूप में स्वीकार न करके कोरोना का अस्त्र चलाएगी, तब तक जनजागरण अभियान चलेगा। जैसे कोरोना से हमें थोड़ी राहत मिलेगी तो बड़ी सभाएं करेंगे और देश को ये मैसेज देंगे कि बिंद के लोग अब जागृत हो चुके हैं, बिंद के लोगों का जागरण हो चुका है, बिंद के लोग अपना हक चाहते हैं, इसलिए बिंद अब बना। अभी तक की यात्रा में अभी तक कितनी कठिनाइयाँ आई हैं? बड़ा आनंद आया है, कठिनाई की कोई बात नहीं। जिस जगह गए हैं लोग दौड़ते मिले हैं, हमारा गरीब मजदूर भी दौड़ते हुए आकर उत्साह के साथ हमें सपोर्ट किया है कि किसी भी तरह बिंद बनवाओ भैया, हम लोगों का हित होगा। मैं पूछा हित क्या होगा तो बोले काम धाम यही मिलेगा, ये बात गांव का गरीब आदमी तक बोला है। तो आनंद के साथ इस ये यात्रा भी कर रहे हैं और लोगों के साथ आनंद के साथ बैठते हैं, बातें करते हैं और जाते हैं। मध्य प्रदेश शासन में अगर आपको कैबिनेट में स्थान मिल गया तो ये बिंद प्रदेश का आंदोलन बंद तो नहीं हो जाएगा? मैं कैबिनेट और राजनीति, विधायक और सांसद, इससे परे होके इस आंदोलन में आया हूँ। ना मुझे ये कुछ चाहिए, यदि चाइना होता तो मैं दल में बना रहता, सम्मान के साथ रहा था, धंधा व्यापार चलाता रहता। मैं धंधा व्यापार की न राजनीति किया, न पद की कभी चिंता किया। 2003 में मुझे मैहर के लोगों ने समाजवादी पार्टी से विधायक बनाया, मुख्यमंत्री शिवराज जी 5 में बने। ये प्रमाण के रूप में बता रहा हूँ कि मीडिया में शिवराज जी बोले हैं कि नारायण त्रिपाठी जी ने मुझसे बोला था, मैं बोला था कि आप मेरे मैहर चुनाव लड़ो, देश में मैसेज जाएगा कि अंडर दल के लोग भी आपको प्यार करते हैं, आपका इतना बड़ा दायरा बढ़ जाएगा, तो मेरे मैहर चुनाव लड़ो। बोले आप भाजपा में आओगे? मैं कहा भाजपा में नहीं आऊँगा। बोले आपको क्या मिलेगा? मैं कहा मैं मैहर को मुख्यमंत्री दे दूंगा तो हमारे बिंद का कल्याण हो जाएगा। ये तीन साल के अंदर मैं अपना विधानसभा सीट छोड़ने को तैयार हो गया था। इससे आप जान लो, मान लो, समझ लो कि राजनीति की लालसा वाला मैं नहीं हूँ, राजनीति में इतना उलझा फंसा नहीं हूँ, राजनीति में इंजॉय के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए, हमारे क्षेत्र का विकास हो और लोगों के साथ इसी तरह हंसते मुस्कुराते चलता हूँ। मुझे कोई तकलीफ नहीं, कठिनाई नहीं है, 24 घंटे में 20 घंटा काम करता हूँ, तो मैं कोई अपने स्वार्थ के लिए राजनीति नहीं। सर एक बात और, सर आपका जो ये आंदोलन है इसमें कई तरह के आरोप लगते रहते हैं, कभी बागी या फिर कभी कुछ और कहा जाता है, फिर भी आप मतलब तूफान की तरह बढ़ते रहते हैं, तो एनर्जी का सोर्स क्या है सर? सर बताना चाहिए। चुनौतियों को स्वीकार करिए सर, मेरी चुनौतियों को स्वीकार करने की आदत है। मुझे जब कोई चुनौती देता है तो टारगेट तक पहुंचने का मेरा मानता रहता है कि मुझे टारगेट तक पहुंचा है, चुनौती मिली है। इसको मुझे बागी और बगावत का नाम दे दिया गया है तो मैं अपने आप को बागी भी मान लिया और बगावत के रूप में भी स्वीकार कर लिया। उनकी चुनौती को स्वीकार करते हुए मैं तय कर लिया हूँ कि बिंद का पुनर्निर्माण कराएंगे, चाहे जिस तरह जो करना पड़े, वो सब कुछ करना।